उनके बीच जो सीखा हूं, उनके बीच से मैं जो अनुभव प्राप्त किए हैं, मैं किसी भी हालत में कुर्सी की मजबूरियों का गुलाम नहीं बनूंगा। मैं जनता जनार्दन के बीच रहूंगा, जनता जनार्दन के लिए रहूंगा। इसी दृढ़ निश्चय से स्टेट वाइड अटेंशन ऑन ग्रीवेंसीज बाय एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी यानी स्वागत का जन्म हुआ। स्वागत के पीछे की भावना थी सामान्य मानवी का लोकतांत्रिक संस्थाओं में स्वागत। स्वागत की भावना थी विधान का स्वागत, समाधान का स्वागत। और आज 20 वर्ष बाद भी स्वागत का मतलब है ईज ऑफ लिविंग, रीच ऑफ गवर्नेंस, ईमानदारी से किए गए प्रयासों का परिणाम है कि गवर्नेंस के इस गुजरात मॉडल की पूरी दुनिया में अपनी एक पहचान बन गई। सबसे पहले इंटरनेशनल टेलीकॉम ऑर्गेनाइजेशन ने इसे ई ट्रांसपेरेंसी और ई अकाउंटेबिलिटी का उत्कृष्ट उदाहरण बताया। उसके बाद यूनाइटेड नेशंस ने भी स्वागत की तारीफ की, इसे यूएन का प्रतिष्ठित पब्लिक सर्विस अवार्ड भी मिला। 2011 में जब कांग्रेस की सरकार थी, गुजरात ने स्वागत की बदौलत ई गवर्नेंस में भारत सरकार का गोल्ड अवार्ड भी जीता। और यह सिलसिला लगातार चल रहा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।